इस साल हुई वुमेन प्रीमियर की नीलामी में यूपी वॉरियर्स की मैनेजमेंट ने 2.10 करोड़ रुपए खर्च करके 5 खिलाड़ियों को टारगेट करते हुए 2024 के लिए अपनी टीम में शामिल किया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कौन कौन से हैं वो सारे खिलाड़ी जिन्हें यूपी वॉरियर की मैनेजमेंट ने अपनी टीम में शामिल किया है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के लिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं यूपी वॉरियर की टीम के बैट्समैन से। तानी बेट जिन्हें 30 लैक्स में ऐड किया गया है, श्वेता सरावत जिन्हें 40 लैक्स में रिटेन किया गया है, किरण नेवगिरी जिन्हें 30 लैक्स में रिटेन किया गया है, एलिसा हेली जिन्हें 70 लैक्स में रिटेन किया गया है, लक्ष्मी यादव जिन्हें 10 लैक्स में रिटेन किया गया है, वृंदा दिनेश जिन्हें 1.30 करोड़ में ऐड किया गया है। अब जानते हैं यूपी टीम के ऑलराउंडर्स के बारे में। पूनम खेमनर जिन्हें 10 लैक्स में ऐड किया गया है, ताहिला मैग्रत जिन्हें 1.40 करोड़ में रिटेन किया गया है, दीप्ति शर्मा जिन्हें 2.60 करोड़ में रिटेन किया गया है, परशिवा चोपड़ा जिन्हें 10 लाख में रिटेन किया गया है, ग्रास हैरिस जिन्हें 75 लाख में रिटेन किया गया है, सैमा ठाकुर जिन्हें 10 लाख में ऐड किया गया है, सुपद हंडी यशस्वी जिन्हें 10 लाख में रिटेन किया गया है। अब जानते हैं यूपी टीम के बॉलर्स के बारे में। गोहर सुल्तान जिन्हें 30 लाख में ऐड किया गया है, अंजलि शर्वानी जिन्हें 55 लैक्स में रिटेन किया गया है, राजेश्वरी गायकॉड जिन्हें 40 लैक्स में रिटेन किया गया है, लारेन बेल जिन्हें 30 लैक्स में रिटेन किया गया है। तो ये थी वुमेन्स टीम यूपी की स्क्वाड वुमेन प्रीमियर लीग 2024 के लिए, जिसकी कप्तानी करेंगे एलिसा हेली। आपको क्या लगता है वुमेन प्रीमियर लीग 2024 की ट्रॉफी को क्या यूपी वॉरियर्स की टीम पहली बार जीत पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।